आंखों का पानी दिल की कहानी कहता है, कोई फसाना दिल में पुराना रहता है, कोई अपना या सपना है कुछ ना समझ पा ढोलकी क्यों नहीं बजा रही हो तुम लोग? वो वाला गाना गाओ ना जो ढोलक भी नहीं बजता, वो भी बजा। हसीना, इतनी देर कर दी तूने? कहाँ थी? अभी हवेली का कोई काम होता ना तो भाग भाग कर कर रही होती। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं तो बस जल्दी आ जाती लेकिन हवेली के काम ही नहीं खत्म होते। लड़कियों ने कितना शुगर लगाया हुआ है ना, वैसे मुझे बताया कि वो लड़का तो शहर का है। हाँ देख ले बस, किस्मत इसी को कहते हैं। वैसे इतनी जल्दी भी करने की क्या जरूरत थी? अभी नूरी इतनी छोटी है, 18 साल की तो है बस, अभी ना कराती तो अच्छा ही था। वैसे ठीक ही है, बस हो गया अच्छा रिश्ता, इतनी भी छोटी नहीं है। हमने खुद तय किया है रिश्ता इसका, मेरे बेटे के दफ्तर में साथ काम करता है, इसीलिए दिल को तसल्ली थी, बस हमने तो झटपट तय कर दिया रिश्ता। अच्छा ही किया, फिर अब क्या बोलूं? मैं जरा नूरी के पास बैठ के। हाँ हाँ तू जा, मैं मेहमानों को देख लूँ जरा। नूरी तू तो बड़ी प्यारी लग रही है भाई, दिखा अपना झूला भी है। बाल तो हटा दे, अब अच्छी लग रही है तू। मैं जरा उसके पास बैठूं, थोड़ा ना काम वाम देख लेती हूँ, सही है? हसीना ये देख, ये सूट पूरे 20,000 रुपए का है, और बस कर दे। पता है मुराद बता रहा था शहर में ना इतने महंगे कपड़े नहीं होते, सस्ते सस्ते कपड़े होते हैं, ये लोग ले आते हैं शहर से और हम लोगों को लाके बोलते हैं ये महंगे महंगे कपड़े, लेकिन इनका काम तो देखना कितना अच्छा है। लालची रहना तू, चल जल्दी जल्दी काम कर ले फटाफट।
मेरी बात सुन, ये जो मासी अम्मा को कपड़े दिखा रही है ना, ये भी बहुत महंगे हैं। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। इसको ऐसे खोल के ना सजा के फैला। अम्मी पानी। साजिदा जा जाके जरा बहन के लिए पानी, बल्कि ऐसा कर जूस लिया जाके, जल्दी जा। तू रहने दे, मैं ना मैं लेकर आती हूँ जूस अभी। चल तू लिया, जल्दी जा ना। जरा पास से तो देखती हूँ कितना महंगा जोड़ा है। हाँ, और दूसरा सूट फैला, दूसरा सूट फैला। खाला माफ कर दो ना, ये इसकी गलती सारी है यार, कपड़े फैला के रख दिए, मेरे पाँव फिसल गया उसके अंदर आ गया। अब खाला मेरी गलती थोड़ी है, पागल है तू बिल्कुल, हटा इन कपड़ों को यहाँ से। ये देख 50,000 के सूट का तूने क्या बर्बादा कर दिया, नाबीना अंधी है क्या? झूठी, 20,000 को कितने आराम से 50,000 का कर दिया। सारे सूटों का सत्यानाश मार दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, दफा हो जा तू मेरी नजरों के सामने से, अभी चली जा, जलती है तू मेरी बच्ची से। खाला मैं क्यों इससे जलूंगी, अच्छा ना मासी मैं जूस पिला देती हूँ उसको जरा ना। बड़ी आई, जूस पिला देती हूँ। चल ये ले जूस पी ले, कर मैं धो रही हूँ, जा इसको जाकर जल्दी भिगो कर, इतना महंगा सूट पकड़ ले। मैं पी लेती हूँ। खाला ये पिला ही रही थी इसको, मैंने कहा जरा बता दूं कि कैसा रही है। आपको हर रोज मेरे आने से पहले कैसे पता चल जाता है? जिसके साथ दिल जुड़ जाए उसके लिए दिल में घंटी बजती है। तौबा तौबा, कितनी बड़ी चोर हो सारी की सारी, किधर है झुमके? पूछ रही हूँ पता चल। तू बता, तूने चुराए क्या? हर रोज मेरे आने से पहले कैसे पता चल जाता है? जिसके साथ दिल जुड़ जाए उसके लिए
दिल में घंटी बजती है। Very nice. Thank you. चलें। मासी, ये देखने में कितने असली लग रहे हैं ना, वैसे हैं तो नकली लेकिन असली कितने लग रहे हैं। असली जैसे दिखते हैं पगली, जब भी तो इतने महंगे। अच्छा, कितने के होंगे ये? एक कोई 10,000 का एक सेट है, ये असली याकूत का। 10,000 असली याकूत? मासी वैसे 10-10 रुपए के ना हम लोग झुमकियां लेते हैं और 10-10 रुपए के नाक में पहनने के लिए लेते हैं। है? 10-10 रुपए के, चल उठा के संभाल के रख इसे। दिखाओ तो सही जरा। अब नूरी, तेरा ना ये जेवर मैं इधर रख के जा रही हूँ, सही है? संभाल के रख ले, बड़ा अच्छा है वैसे। कर रहे हो तुम लोग हैं, इसको करो जल्दी जल्दी, चलो। ये तो नूरी के, अब ये मेरे हो गए। जो पता है असल याकूत के हैं ये। ये तूने ठीक नहीं किया, चुप कर जा तू। अम्मी, इसमें झुमके नहीं है। क्या नहीं है इसमें झुमके? क्या कह रही है, सही से देख जरा। ये देखो ना, झुमके नहीं है इसमें। झुमके नहीं है? रुक तू, आ मेरे साथ इधर। ए लड़कियों, तुम लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए हो या मेरे घर का सफाया करने के लिए? सच सच बताओ, बिल्कुल सच बताओ, किसने चोरी किए झुमके? हमें तो नहीं पता। तुम लोग यहाँ पर मेरा हाथ बटाने के लिए आते हो या घर में झाड़ू पेरने के लिए? तौबा तौबा, कितनी बड़ी चोर हो सारी की सारी, किधर है झुमके? पूछ रही हूँ, पूछ रही हूँ, पता चल। तू बता, तूने चुराए क्या? बता, उठाए। ये देखिए मासी, इधर ही होंगे। अल्लाह, तू ऐसी निकलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये देख क्या है ये, और कहती है कि मैंने नहीं चुराए। मासी, मुझे नहीं पता है कहां से आई। निकल अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल, वरना मैं तुझे धक्के दे के निकालूंगी। ये झुमके किसने चुराए और किसने नहीं, ये तो मैं तेरी माँ से शाम को आकर बात करूंगी। मासी, अल्लाह का वास्ता ऐसा ना करें, मुझे नहीं पता झुमके कहां से आए। तू नहीं मानेगी ऐसे, निकल। मासी, गर ना बताना, मैं जान से मार देगी। चल जा, दफा हो यहाँ से, बड़ी आई। और बात सुनो, तुम लोग ध्यान से काम करना, एक भी चीज अगर यहाँ से आगे पीछे हुई ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मासी, अब तो चोर चला गया, अब कैसे होगी इधर की उधर। करवा लो इससे, चल काम कर चुंगी। मैं दूसरी झुमकियां देख के आती हूँ। जी भी फंसाएगी साथ में, खुद तो फंसेगी फंसेगी। जल्दी आ जाओ बिलाल। मामा, आज भी स्पेस नहीं बना है। बेटा, स्कूल रूल्स अलाउड नहीं है ना। मामा। अच्छा, अगर आप नाराज हो जाएंगे तो आपको कपकेक्स नहीं मिलेंगे। ओ, आपको याद था। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ
आप ये छुपा के स्कूल में कैसे लेके जाएंगे? मामा मेरे फ्रेंड ने एक मैजिक बताया है जिससे हर चीज गायब हो सकती है। लाए मुझे से। आबरा शावड़ा भंगड़ा भंगड़ा हो जाओ गायब। गायब हो गए? ओ मामा ये तो सच में गायब हो गए। अब मैं स्कूल में क्या खाऊंगा? मैंने कपकेक आपके बैग में रख दिए। आप भी ना। थैंक यू। चलो जल्दी आ जाओ, लेट हो रहे हैं हम। जल्दी से आ जाओ। स्माइल। रांझा आया तुझसे मिलने के लिए, जा। वाह भाई वाह, तेरा रामजा तो बड़ा अमीर लगता है। खाला को पता है इसके बारे में? नहीं, अम्मा को नहीं पता और तूने भी नहीं बताया। अच्छा नहीं पता? अब वैसे अगर खाला को बता देगी ना तो अच्छा होगा, वो रिश्ता लेकर आएगा ना तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। अम्मा को कुछ नहीं पता और तूने भी नहीं बताना, तू अपना मुंह बंद रख रही हो। मैं कोई पागल हूँ जो तेरी कहानी में घुसूंगी ऐसे? बता दे खाला। अच्छा चल आ जा अंदर, चलते हैं, ढूंढती हूं। ये क्या है तेरे हाथ में? किसने दिया ये सब कुछ? हाँ बोल, तुझसे पूछ रही हूँ किसने दिया। अरे खाला इतना गुस्सा नहीं किया करो, खासी तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। वो ना ये सारा सामान नूरी ने निकाला है, नूरी का सामान है पुराना। ये पुराना तो नहीं लग रहा खाला, बड़ी पंचायती है तू। ये मेरी पायल है नूरी, ठीक है ना, और ये वाली अंगूठी जो है ना ये भी मेरी है, ये मैं लेके जा रही हूँ। और तू चल घर, तुझे आज मैं बताती हूँ। चला चल। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिलाल अहमद यहाँ आइए, लंच के लिए आज क्या ले जा रहे हैं आप? दादो सिर्फ आज। मामा ले जाने देना आज प्लीज दादो। आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। ये आज आप इससे गुजारा कीजिए, ठीक है? सयानी बुआ आपके लिए ब्राउनीज बनाना सीख रही हैं। थैंक यू दादो। मामा दादो इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये हाफिज कर दो दादो को। एक मिनट बिलाल, यस थैंक यू दादो, बाय बाय। Thank you.
ओए बात सुन। बोल क्या कहना। एक बात ना तू मुझे बिल्कुल साफ साफ बता दे, साजदा से शादी करने का तेरा मूड है या मुकमुकाओ चल रहा है? तुझे इससे क्या, मैं तुझे नहीं जानता, साजदा के साथ बस आते जाते देखा है तुझे। एक तो ये शहर वाले ना बड़े एहसान फरामोश होते हैं वैसे। तूने कौन सा एहसान कर दिया मुझ पे? खाला से तेरी और साजदा के रिश्ते की बात करके आई हूँ। अच्छा फिर क्या कहा खाला ने? कहती है मालशी के बेटे से शादी नहीं करूंगी अपनी बेटी। अब्बा हवेली में मालशा था घोड़ों का, लेकिन मैं तो शहर में रहता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग की अपनी दुकान है। हाँ हाँ पता है मुझे, मैंने ना खाला को बड़ा समझाया है, ये जात पात वाली बातें अब पुरानी हो गई है, नया दौर है। अच्छा फिर समझ गई वो तेरी बात। ले आज तक ऐसा हुआ कि हसीना की बात कोई ना समझे? हाँ आज ना 4 बजे आ जाना तू रिश्ता लेके, खाला तेरा इंतजार कर रही है। क्यों तेरे कहने पर? पहले साजदा से पूछूंगा कि जाना है या नहीं। मर्जी है लेकिन चला जाना आज, तेरी भलाई है इसमें। गैरत बेशरम, मना किया था ना तुझे, क्यों आवार की कर दी थी तू? हां बोल। हाय अम्मा, अम्मा मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे नहीं पता इसे यहाँ किसने बुलाया। मुझे तो पहले ही शक था, ये तो तेरी जान बच गई। बहू बेगम जी, वो ना बीबी जी ना गांव जा रही हैं और वो भी अकेले। क्या? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे घर पर हैं। अल्लाह पाक की कसम बेगम साहिबा, बेगम साहिबा आप ना आती ना तो वो लोगों ने मेरी बेटी को ले जाना था। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता। आप अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं भूलती हैं। इंसान अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाही कर सकता है लेकिन माँ की मोहब्बत से नहीं। एक बार भूल गई थी आपकी दवाइयां, जान पर बनाई थी सारे घर वालों की। ये हमारी कोई नेकी है कि आप हमारे घर में हमारे अहमर असदी की जिंदगी में आई। चले आप जल्दी से नाश्ता करें और उसके बाद आपने ये टैबलेट जरूर लेनी है। आपने तो नाश्ते से पहले ही हमें ये टैबलेट दिखा दी, अब नाश्ता कैसे करें? अम्मा ये जरूरी है। गैरत बेशरम, मना किया था ना तुझे, क्यों आवारगी कर दी थी तू? हां बोल। हाय अम्मा, अम्मा मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे नहीं पता इसे यहाँ किसने बुलाया। मुझे तो पहले ही शक था, ये तो तेरी जान बच गई। लेकिन याद रख, तब तक जब चांद चढ़ता है ना तो सारी दुनिया देखती है। और तू हसीना कैसे सहेली है तू? जब तेरी सहेली गलत रास्ते पे जा रही थी तो उसे रोक नहीं सकती थी। नहीं खाला, मैंने इसको बड़ा रोका है, इसके सर पे ना इस मालशिये का भूत चढ़ा हुआ था, हर वक्त जो लाला के इसको झुमकियां तो कभी चूड़ियां देता था। मजा आया तुझे चूड़ियां पहनने का? और पहन झुमके तू, और तू मालशिये के बेटे निकल यहां से, गायब हो जा। आइंदा यहां पर कदम रखा ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, आई बात समझ में? बड़ा आया, देख लिया तूने, देख लिया लोगों ने तमाशा बना दिया है हमारा। हाय रे मेरी किस्मत। हसीना तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं, खूब बदला लूंगी मैं तुमसे। मार खा तुम, मार। मुराद ये तू क्या करके आया है? वो चाचा नूरा है ना? हाँ। उसके बेटे को मैंने कत्ल कर दिया। मुराद तू पागल हो गया है, क्या किया तूने? मुराद को पकड़ो, पकड़ो मुराद को, मुराद को पकड़ो। मुराद वो गिर जाएगा तू। बहू बेगम जी, वो ना बीबी जी ना गांव जा रही हैं और वो भी अकेले। क्या? मामा गांव जा रही हो और अकेले?
मामा आप गांव क्यों जाइए और वो भी अकेले? मैं आपको हरगिज जाने नहीं दे सकती। पिछली बार क्या हंगामा हुआ था आप भूल सकती हैं, मैं नहीं। मासूमा इतनी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। मैं अभी अहमर को कॉल करके आती हूँ। एक मिनट, इतना पैनिक क्यों हो रही है आप? मैं पहली बार तो नहीं जा रही हूँ ना, कहा है ना कोई इमरजेंसी नहीं है, बस एक छोटा सा काम है, शाम तक हो जाएगा। पर मामा अगर अहमर भी आपके साथ जाते तो अच्छा होता। अहमर जज्बाती है, बात को बढ़ाएंगे, इसलिए मैं अकेले ही जा रही हूं। मामा सियानी बुआ, सियानी बुआ। जी बहू बेगम। सच सच बताएं, मामा किस सिलसिले में गांव गई हैं? वो आप छोटे साहब को स्कूल लेने नहीं गई? अहमर कह रहे थे वो स्कूल से ले लेंगे, कोई सिंध सकाफती मेला लगा हुआ है। फिर आप इसे छोड़ें, बात टालने के बजाय आप मुझे बताएं मामा इतनी परेशानी में गांव क्यों गई है? कत्ल का किस्सा था, उसे ही हल करने गए हैं, किसी नौकर के बेटे ने कत्ल कर दिया। ये बड़ी बात हो गई है और मेरे इल्म में ही नहीं है। क्या आपको नहीं लगता मामा को इस तरीके से अकेले नहीं जाना चाहिए था? मैंने कहा था, मगर उन्होंने कहा कि अगर बात अहमर तक पहुंची तो गलत हो जाएगा। फोन तो उठाएं, सही वक्त पर कभी भी फोन नहीं उठाते। बोला था बेगम साहब, बेगम साहिबा। हाँ बेगम साहिबा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे घर पर हैं। अल्लाह पाक की कसम बेगम साहिबा, बेगम साहिबा आप ना आती ना तो वो लोगों ने मेरी बेटी को ले जाना था, मेरे पास तो खून बहा के पैसे भी नहीं थे। आप खड़ी क्यों हैं? आए आप बैठे, इधर बैठे। ठीक है ठीक है, हम ठीक हैं, तुम परेशान ना हो, अब हम आ गए हैं ना, बच्ची को बुलाओ। हाँ बेगम साहिबा, मैं अभी हसीना को लाई। हसीना हसीना, नबात सुन, तू तैयार तो ऐसे हो रही जैसे तेरी बारात चढ़ने वाली है। हसीना को ना कम ना जान अम्मा, हसीना जिधर कदम रखती है वहां चिड़ियां पैदा हो जाती हैं। वहां जाके ना नया चांद ना चढ़ा देना, पता है ना कितना एहसान किया उन लोगों ने हम पे। कौन सा एहसान किया है भाई, सारी जिंदगी मेरे बाप ने ना इन लोगों की बड़ी खिदमत गुजारियां की है, मर गया वो बेचारा, ये इनका फर्ज है अम्मा। क्या हो गया है? डर खुदा के गजब से, कितनी बुरी सूरत हाल से बची है तू। हसीना का ना बचपन का ख्वाब पूरा होने जा रहा है अम्मा, तू बस देखती जा।
हाय वो बेगम साहब इंतजार कर रही होगी। आजा। अरे रुक तो जा, बैग तो ले ले अपना। लगता है मैं तंग करूंगी किसी को, इतनी अच्छी सी हो। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शहर में रह लोगी ना बेगम साहिबा? आप हसीना कुछ देर रखेंगी ना, हसीना खुशी खुशी रह लेगी वहां पे कोई। हाँ बेगम साहिबा, तो मेरी दी बहुत फरमा बरदार है, आप जैसा रखेंगी जिस हाल में रखेगी ना ये रह लेगी। ठीक है शनाज, तुम परेशान ना हो, अब से ये हमारे साथ रहेगी, आओ मेरे साथ। ठीक है बेगम साहब। कुएं से निकलने का ना हर किसी को जिंदगी में एक ही मौका मिलता है। और इस मौके से जिंदगी कैसे संवारनी है ये अब हसीना का काम है। जो भी मुझसे